सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है ज़ेब्रोनिक जंबो वायरलेस ब्लूटूथ नेक बैंड। सो करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू। और जैसा यहाँ पे नाम है जंबो, वैसा ही यहाँ पे आपको मैसिव 160 ओवर का यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन से यूनिक फीचर जो है वो मिलते हैं। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो प्रजय हियर, वेलकम टू चैनल टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिलता है ज़ेब्रोनिक वायरलेस नेक बैंड जंबो। तो यहाँ पे इसे कट कर देते हैं और प्लास्टिक जो है उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे जो मेजर फीचर है वो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्लैश चार्ज 10 मिनट्स के अंदर 15 आवर का यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिल जाता है। ईएनसी मोड, यहाँ पे आपको यूज मैसिव 160 आवर का प्लेबैक मिलता है एट 50% वॉल्यूम। टाइप सी चार्जिंग, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, फ्लेक्सिबल नेक बैंड, ड्यूअल पेयरिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी, डीप बेस, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मेटालिक ईयर पीस मिलता है और ये सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट को भी। तो यहाँ पे इसे कर देते हैं ओपन और कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा ज़ेब्रोनिक जंबो। तो इसको यहाँ पे निकालते हैं बाहर, साइड पे रख देते हैं इसको। और अंदर से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो है वो मिल जाती है, ज़ेब्रोनिक का लोगो वाला USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल, यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल के लिए QR कोड भी मिल जाता है। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। अगर बात करें यहाँ पे लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ज़ेब्रोनिक का ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगा। जो नेकबैंड है वो काफी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है और हाई क्वालिटी जो मटेरियल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे केबल की, तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केबल लगा और एक हैवी क्वालिटी जो केबल है वो यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स जो है वो मिल जाते हैं और ईयरबड्स में यहाँ पे आपको ईयर टिप्स एंड ईयर ग्रिप दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको मेटालिक ईयरबड्स मिलते हैं जो काफ़ी सही लगा मुझे। जो कंट्रोल पैनल है वो काफ़ी छोटा सा और हैंडी वाला आपको मिलता है, जहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल, पावर ऑन ऑफ बटन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे जो मॉडल है जंबो विथ LED इंडिकेटर मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है काफी सही लगा मुझे। अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे यहाँ पे वियर करोगे। अराउंड द नेक काफी कंफर्टेबल रहता है और इन ईयर यहाँ पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी, काफी अच्छी ग्रिप जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो यहाँ पे यूज करने में आपको काफी मजा आएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसे पावर ऑन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप इसे पावर ऑन करोगे, पीछे यहाँ पे जो LED लाइट है वो ब्लिंक करेगी और ये चला जाएगा पेयरिंग मोड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ में और यहाँ पे आपको पेयर न्यू डिवाइस यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा जंबो, दैट्स इट। यहाँ पे टैप करना है और काफ़ी ईजी है इसे यहाँ पे पेयर करना। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो भी मिल जाता है और सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको फोन कॉल एंड मीडिया ऑडियो का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स को लेके, तो यहाँ पे आपको मल्टीफंक्शन बटन जो है वो मिल जाता है, जिसको यहाँ पे सिंगल टाइम प्रेस करके जो सॉन्ग है उसको यहाँ पे आप प्ले या तो फिर पॉज कर सकते हो। वॉल्यूम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखते हो वॉल्यूम बटन को, तो जो सॉन्ग है वो यहाँ पे नेक्स्ट या तो फिर प्रीवियस हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है, डबल टाइप यहाँ पे टैप करने से चला जाता है गेमिंग मोड में और डबल टाइप फिर से टैप करने से आ जाता है म्यूजिक मोड में। मल्टीफंक्शन बटन को होल्ड एंड प्रेस करके रखते हो अप टू 2 to 3 सेकंड, तो यहाँ पे आपको जो वॉइस असिस्टेंट है वो भी यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा। सो सारे तरह के बेस्ट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है, तो जो पावर बटन है उसको यहाँ पे 2 times प्रेस करते हैं तो ये चला जाता है गेमिंग मोड में। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा आपको मिल जाता है। वन ऑफ द अमेजिंग फीचर यहाँ पे मिलता है आपको एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन। तो यहाँ पे आपको ENC मिलता है और छोटा सा हमने यहाँ पे टेस्ट किया था, रिजल्ट यहाँ पे काफी सेटिस्फैक्टरी लगा। तो आप इसे यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है। जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है और जैसे यहाँ पे आप इसे प्लग इन करोगे चार्जिंग के लिए,
तो पीछे यहाँ पे रेड एलईडी जो है वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अगर यहाँ पे बात करें क्विक चार्जिंग को लेके, तो 10 मिनट्स के अंदर 15 आवर का यहाँ पे क्विक बैकअप जो है वो मिल जाता है, काफ़ी ऑसम बात है। ओवरऑल यहाँ पे अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो 160 आवर्स का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलता है एट 15% वॉल्यूम, जो काफ़ी यूज है। जैसा नाम है जम्बो, ऐसा ही यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। फाइनल अगर बात करें यहाँ पे साउंड क्वालिटी को लेके, तो भाई यहाँ पे काफ़ी गजब यहाँ पे साउंड क्वालिटी आपको मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे ट्रेबल मिडटोन्स की, तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है और थंपिंग वाला यहाँ पे आपको बेस इफेक्ट मिलता है। अगर बात करें रेटिंग्स को लेके, तो 8.5 out of 10। और हाँ, यहाँ पे 100% वॉल्यूम के ऊपर जो साउंड है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होता है, काफी स्मूथ यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट मिल जाता है। फाइनली अगर बात करें यहाँ पे वर्डिक में, तो जो प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे काफी सुपर लो लेटेंसी वाला आपको एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिलता है, जो काफी अच्छा यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस, काफी अच्छा यहाँ पे साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और हाँ, यहाँ पे जो मेन यूएसपी है वो है यहाँ पे बैटरी बैकअप, काफी ह्यूज मैसिव बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाता है, और वो भी काफी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। और हाँ, इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।